हेलो एकेडमी अकेडमी सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर इन कंटिन्यूएशन विद आवर चैप्टर नंबर केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड टूडेज टॉपिक इज ऑफ एग्जांपल्स ऑफ नेचर ऑफ वर्क सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ वर्क क्या के क्या क्या एग्जाम्पल्स है मुझे उम्मीद है आपने कल का लेक्चर नंबर एलेवन देखा होगा उसी के ही कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर आप वो लेक्चर देख लीजिए फिर ये लेक्चर देखिए So, before going towards our topic, please subscribe to our channel Amjad Academy and do not forget to hit the bell icon to get the notification of new videos. Now, let us come back towards our topic example of nature of work. So, one first example is decomposition of hydrogen peroxide H2O2 gas. Uh, how it can be decomposed? Let us see its reaction. Here we have two molecules of hydrogen peroxide in a liquid state, it will convert into it will decompose into.

इसमें जो है तो ये एस्ट्रोटो हाइड्रोजन परोक्साइड जो गैस है वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो एक बचा हुआ कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा गैस एक्सपांड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर यहाँ पर सिस्टम क्या है हमारा द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडाइनेमिक इन्वेस्टिगेशन हम किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड अब यहाँ पर ये जो गैस आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन परोक्साइड इस इसके डिकम्पोज होने की वजह से यह पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और इस पिस्टन पे मास रखा हुआ है यानी कि यह हुआ कि सिस्टम इज सराउंडिंग यहां से यह सिस्टम क्या कर रहा है अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है इस पिस्टन को अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए तो अगर कोई हीट लॉस नहीं होती है तो जितना इस पिस्टन के पिस्टन को ऊपर करने में सिस्टम की एनर्जी लूज हुई है सिस्टम की एनर्जी कम हुई है तो उसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग सो दिस वाज ए पीवी एक्सपांशन नाउ लेट्स कम बैक टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल अब दूसरा एग्जांपल यही रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आइए इसे देखते हैं इसका इलेस्ट्रेशन ये है इसके सामने आपके रिएक्शन है अमोनिया गैस और एच गैस दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस दोनों भी जो है तो गैसेज स्टेट में है और वो मिलकर जो है तो एक सॉलिड प्रोडक्ट बना रहे हैं सॉल्ट बना रहे हैं जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है लेट सी इट्स इलेस्ट्रेशन ए गैस सिलेंडर इन विच गैस इज बोथ द इनक्त अमोनिया गैस एंड एच गैस एज यू कैन सी दिस ब्लू डॉट्स आर ऑफ अमोनिया एंड दिस स्काई ब्लू आर ऑफ एच गैस क्या होगा जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगी तो इसमें ये दोनों गैसेज जो है तो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन आगे प्रोसीड होके हमें यहां पर हमारे सिलेंडर में मिल जाएगा सॉल्ट जिसकी वजह से क्या होगा सिस्टिम का वॉल्यूम कम हो जाएगा और पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा अब हमने यहाँ पर ये पर एक चीज देखा है कि जो सराउंडिंग है सराउंडिंग क्या कर रहा है यहां पर सिस्टम पर वर्क कर रहा है इसीलिए जो गैस का पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है अगर सराउंडिंग कोई हीट ट्रांसफर नहीं करता है तो जितनी एनर्जी सिस्टिम ने गेन किया ये इस अमोनियम क्लोराइड ने जितनी एनर्जी सिस्टम ने गेन किया उतनी एनर्जी को एज अ कंसिडर किया जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम सो दिस वाज ऑल रिलेटेड विद आवर नेचर ऑफ वर्क दिस आई होप यू गॉट दिस टू एग्जांपल्स डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर एंड रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड एच गैस सो इन माई अपकमिंग वीडियो आई विलकम विद द नेचर ऑफ हीट एंड इट्स साइन कन्वेंशन Till then keep watching Amjad Academy. Thank you for coming on Amjad Academy.